आज हम पढ़ने वाले हैं आपका नया एकदम फ्रेश चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्म जीव। आज हम इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव की विशेषताएं कौन सी होती हैं, और आपने कभी भी सूक्ष्म जीव को देखा है, अगर उनका प्रेक्षण किया है तो कैसे किया है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने बेसिक क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर में दिया है कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। सूक्ष्म जीव मतलब कि छोटे जीव, अति सूक्ष्म, ऐसे जीव जो कि हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब अगर डेफिनेशन आपको लिखना हो जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या सूक्ष्म जीव का डेफिनेशन लिखिए, तो आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव का अर्थ होता है कि ये नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, मतलब कि ये सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई नहीं देते हैं। ये हमारे आसपास जो है रहते हैं, हमारे चारों तरफ रहते हैं। ये अधिकांश क्या होते हैं, ये मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब आदि केंद्र की जो होता है उन टाइप के कोशिका वाले होते हैं, और इन्हें केवल जो है हमारे आसपास इत्र गिर्त ये सर्वत्र रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के बारे में आप जानते होंगे, आप परिचित होंगे। हमारे दैनिक जीवन में, मतलब नैनदिन जीवन, मतलब दैनिक जीवन में इन सूक्ष्म जीवों का क्या संबंध होता है और हमारे लिए ये कैसे उपयोगी होते हैं, तो हम इन सब बातों को भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, सबसे यहाँ पे जो उपयोगी सूक्ष्म जीवों का नाम अगर आपको याद करना है तो लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और किड्व, ईस्ट, यानी कि किड्व को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। तो इन ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो उपयोगी होते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि उपयुक्त मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए उपयोगी हों, और उपद्रवी मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक हो, यानी कि हमें हानि पहुंचाते हों। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि उपयुक्त सूक्ष्म जीव। तो उपयुक्त सूक्ष्म जीव में क्या आते हैं, पहला आपने देख लिया है लैक्टोबैसिलाई आता है। तो लैक्टोबैसिलाई को अगर हम देखेंगे तो उसकी संरचना माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखाई देती है। तो ये कैसे देखा जाता है, आपके बुक में क्या स्टेप्स दिए हैं वो देख पढ़ लीजिए। दिया है कि ताजा छाँच की एक बूंद स्लाइड पर ले। स्लाइड क्या होता है, स्लाइड जो है ये कांच का एक पट्टी जैसा होता है, उसे स्लाइड बोलते हैं। उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, और उस बूंद की एक पतली, मतलब छाँच, मतलब जो आप दही से छाँच बनाते हैं उसका केवल एक बूंद लेना है, और उस बूंद को का एक पतला परत बनाना, मतलब उसमें और पानी मिलाना है। उसके बाद क्या करना है, उस पर मीथिल ब्लू अभिरंजक, मतलब मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ब्लू जो अभिरंजक होता है उसको मिला देना है, और उसके बाद डालकर आच्छादक कांच पर रखे, मतलब स्लाइड पर रख देना है। उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे हिंदी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, उसके 10x लेंस और तत्पश्चात उच्च क्षमता वाली 60x लेंस से निरीक्षण करें, मतलब कि 10x और 60x ये दोनों लेंस से इसको क्या करना है, देखना है, निरीक्षण करना मतलब देखना है। क्या नीले रंग की तीली जैसी सजीव हलचल करते हुए दिखाई दिए, मतलब जब आप उसको स्लाइड पर ऐसे देखोगे तो आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है हलचल करते हुए नीले रंग का, अगर हम ब्लू अभिरंजक डाले हैं तो ये नीला अभिरंजक होगा, तो ये सूक्ष्म जीव नीले रंग में हमें दिखाई देते हैं। इन जीवाणुओं का नाम लैक्टोबैसिलाई है। ये क्या है, इन जीवाणुओं का नाम लैक्टोबैसिलाई है। ये आयताकार होते हैं, लैक्टोबैसिलाई अनाक्सी जीवाणु हैं, अर्थात बगैर ऑक्सीजन के भी वे ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी सूक्ष्म जीव और एक अनाक्सी होते हैं। ऑक्सी सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अनाक्सी सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसके बिना भी ये क्या करते हैं, ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। तो लैक्टोबैसिलाई अनाक्सी सूक्ष्म जीव होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी जो है एनर्जी का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये हमारा हो गया लैक्टोबैसिलाई। आगे बढ़ते हैं,
देखिए बताएं तो दूध से दही कैसे बनते हैं, इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से क्या होता है। मतलब आपने देखा होगा कि दूध में शाम को अगर जामन आपके घर में आपकी मम्मी या बड़ा कोई दादी डालती हैं तो सुबह जो है वो दही जम जाता है। लेकिन अगर वही दूध को समय पे उबाला ना जाए और उसमें जामन ना डाला जाए तो वो दही वो दूध क्या हो जाता है, फट कर खराब हो जाता है। तो जो दही बना हुआ दूध रहता है वो खाएंगे तो उसका टेस्ट खाने लायक रहता है, उसे हम खा सकते हैं। लेकिन जो फटा हुआ दूध रहता है वो हम खाएंगे तो वो हमें बदबूदार रहेगा और हम उसको खा भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा दही में दूध में जब जामुन डालेंगे तभी वो क्या बनता है, दही बनता है। अगर समय पे जामुन नहीं डालें और समय पे दूध को गर्म भी नहीं करें तो दूध फटकर खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये फटने के लिए में भी एक सूक्ष्म जीव है और दही बनने में भी सूक्ष्म जीव है। लेकिन जो फटने में जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे दूध को हम खा नहीं सकते। लेकिन दही हम सूक्ष्म जीव डालकर दूध में दही बनाते हैं और उसको बड़े मन से बड़े चाव से खाते हैं। तो ये स्टेप्स क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं। स्टेप्स होते हैं, इसमें दिया है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज शर्करा का, जो लैक्टोज दूध में लैक्टोज होता है उसका शर्करा जो होता है, जो शुगर होता है उसका किण्वन होता है। किण्वन प्रक्रिया मतलब फर्मेंटेशन होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक अम्ल का चेंजेस होता है, रूपांतरण करते हैं, इसके कारण दूध का पीएच कम हो जाता है। हर पदार्थ का एक पीएच मान होता है, दूध का पीएच जो है 6 होता है माना जाता है, उससे कम हो जाता है। और दूध के जो प्रोटीनों का स्कंदन होता है, जो प्रोटीन मतलब प्रथिन को प्रोटीन बोलते हैं, उसका कोएगुलेशन होता है, इसके कारण दूध के प्रोटीन्स अन्य घटकों से अलग हो जाते हैं। मतलब उस दूध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए दूध को सर्वोत्तम आहार बोला जाता है। तो इन सब जब इसका कोएगुलेशन होता है तो दूध के अन्य जो घटक होते हैं वो अलग हो जाते हैं और इसके कारण दूध जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो जमकर दही बन जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दही के विशिष्ट खट्टा स्वाद बनता है। मतलब ये जो लैक्टिक एसिड है इसकी कारण जो है दूध को एक जो आपका टेस्ट दूध का खट्टा दही में खट्टापन होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और इसका पीएच कम होने के कारण दूध के अन्य घातक जो जीवाणुओं का क्या होता है, विनाश हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो दही है वो दूध से ज़्यादा हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि दही में दूध वाले सारे तत्व तो होते ही हैं, प्लस उसमें एक्स्ट्रा तत्व आ जाते हैं दही के, इसीलिए दही जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इस तरीके से दूध से दही बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आगे देखिए, थोड़ा सोचिए, अपचन या अपच जब हो जाता है या पेट खराब होने पर डॉक्टर दही या छाछ पीने के लिए क्यों कहते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि जब आदमी बीमार होता है या गर्मी के समय लोग छाछ या दही या लस्सी ये सब चीज़ें ज़्यादा पीते हैं, तो ऐसा क्यों कहा होता है। कभी कभी दही कड़वा चिपचिपा होकर उस पर तार आती है, ऐसा क्यों होता है। और लास्ट दिया है कि दूध की मलाई का किण्वन या जामन मिलाकर घर में कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो पहले मैं तीसरे प्रश्न के से आपका आंसर देती हूँ। देखिए, दूध की मलाई का किण्वन जब हम करते हैं तो घर दूध से दही बनता है, दही से क्या बनती है, छाछ बनती है, उसके बाद छाछ बनती है और क्या बनता है, मक्खन बनता है, घी बना सकते हैं हम लोग और बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं और इससे क्या बनता है, इस तरीके के खाने वाली बहुत सारी चीज़ों को हम बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा दूध से बनने वाला। कभी कभी दही कड़वा या चिपचिपा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हम जामुन डालते हैं वो जामुन ही अच्छा नहीं रहता। तो जब वो अच्छे क्वालिटी के उसमें लैक्टोबैसिलस नहीं होंगे तो उसमें लैक्टोबैसिलस ज़्यादा बनने के बजाय उसमें एक सूक्ष्म जीव क्लैस्ट्रिडियम होता है जो कि हानिकारक होता है, वो बनने लगता है। और ये बैक्टीरिया क्लैस्ट्रिडियम बनने के कारण इनकी बहुत वृद्धि हो जाती है और दही का जो पीएच होना चाहिए वो न होकर इसका पीएच भी बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दही कड़वा चिपचिपा और उसमें तार बनने लगती है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। इसके बाद आते हैं पहले पर,
तीसरे से पहले पर आ रहे हैं तो अपच होने पर या पेट खराब होने पर डॉक्टर, तो दूध की अपेक्षा दही क्या होता है, पचने में हल्का होता है, बहुत लाइट होता है और दही में लैक्टोबैसिलाई होता है जो बहुत उपयोगी बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, इसकी मात्रा अधिक होती है। तो ये क्या करता है, आहार नाल में जो क्लैस्ट्रिडियम यानी कि जो क्लैस्ट्रिडियम एक सूक्ष्म जीव होता है वो उस क्लैस्ट्रिडियम ये जो है हमें बीमार करने वाला सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है ये पेट में रहता है। जब पेट खराब होता है तो पेट में इसकी संख्या बढ़ जाती है तो इस सूक्ष्म जीव को क्या करता है लैक्टोबैसिलाई मारने या नष्ट करने में उपयोगी होता है, जिसके कारण फिर क्या होता है नष्ट हो जाता है तथा शरीर में जो इम्यून पावर होता है मतलब प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाती है और साथ ही साथ क्या होता है ये एक औषधि का काम करने लगता है। इसीलिए अपच होने पर डॉक्टर जो है दही या छाछ पीने के लिए हमें कहते हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है कि क्या आप जानते हैं आजकल लोकप्रिय प्रोबायोटिक दही और अन्य खाद्य पदार्थ वास्तविक रूप में हैं। ऐसे पदार्थों में लैक्टोबैसिलाई जैसे उपयुक्त सजीवों का उपयोग किया जाता है। ऐसे अन्न शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध होने के कारण है और ये सूक्ष्म जीव आहार नाल के क्लॉस्ट्रीडियम जैसे घातक जीवाणु नष्ट कर हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसीलिए जो है आप मार्केट में देखेंगे कि पैक्ड जो है दही जो 2-4-6 दिन तक चल सकता है वो जो है लोगों को आसानी से मिल सकता है, जिसे क्या बोलते हैं प्रोबायोटिक दही। तो ये हमारे लिए ये हेल्दी भी है, इसके ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं तो इस तरीके से हम स्टेप देख लेंगे। इसके बाद लैक्टोबैसिलाई के गुण कुछ जो है क्या दिया हुआ है लैक्टोबैसिलाई के उपयोग कैसे हैं, जैसे यहाँ पे स्टेप्स जो पॉइंट्स दिए हैं पढ़ देते हैं। दही छाछ घी पनीर चीज श्रीखंड जैसे अनेक पदार्थ दूध की किण्वन प्रक्रिया से प्राप्त होती है। तो ये जो पहला पॉइंट है इसका आंसर भी हो जाएगा, इसका दूध से क्या क्या बनता है देखिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है कि सीडार कोको सब्जियों के अचार आदि पदार्थों का बड़े पैमाने में उत्पादन करने के लिए लैक्टोबैसिलाई किण्वन प्रक्रिया उपयुक्त होती है, मतलब लैक्टोबैसिलाई का क्या कर सकते हैं हम लैक्टोबैसिलाई का फर्मेंटेशन करके इन सब चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है तीसरा कि पाचन संस्था मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्य में खराबी आने पर लैक्टोबैसिलाई और कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों का साथ आकर उपचार करते हैं, मतलब ये हमारे औषधि की तरह भी कार्य कर सकते हैं। चौथा पॉइंट दिया है कि गाय भैंस को दी जाने वाली बिनौली या खली वास्तविक में लैक्टोबैसिलाई की सहायता से खटास उत्पन्न किया हुआ अन्न पदार्थ है। तो जो गाय बैल भैंस को हम बिनौली या खली देते हैं वो उसमें भी उसकी सहायता से खटास उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जानवरों के पेट में भी जो अनावश्यक या हानिकारक सूक्ष्म जीव हो उसे नष्ट करके पेट को सही रखा जाए। उसके बाद पांचवा पॉइंट दिया है कि मद्यार्क निर्मित तथा कुछ प्रकार के डबल रोटी बनाते समय लैक्टोबैसिलाई एक किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाए, मद्यार्थ मतलब शराब वगैरह जो हो गया ये सब बनाने में और डबल रोटी या ब्रेड बनाने में भी लैक्टोबैसिलाई से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये लैक्टोबैसिलाई के बारे में हो गया। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डबल लैक्टोबैसिलाई जीवाणु कितने उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, तो इसका आंसर है कि लैक्टोबैसिलाई अभी आपने ये सब पूछा दही छाछ पनीर घी चीज श्रीखंड इन सब उद्योगों में काम आते हैं, साथ ही साथ ये सिडार कोको और सब्जियों के अचार ये सब बनाने में भी इनका लैक्टोबैसिलाई से किण्वन किया जाता है। पाचन संस्था में औषधि के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है, तो इस इंडस्ट्री में भी दवा की इंडस्ट्री में भी इसका काम आता है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया है मद्यार्क शराब वगैरह बनाने में भी अल्कोहलिक चीज़ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर लेंगे। उसके बाद दिया है नेक्स्ट कि प्रचुर मात्रा में दूध उपलब्ध होने वाले प्रदेशों में कौन से कारखाने शुरू हो सकते हैं, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा वहाँ पर दूध से संबंधित चीज़ों का निर्माण ज़्यादा होगा और वहाँ पर कौन से कारखाने ज़्यादा बनेंगे। यहाँ पर दूध का पाउडर दूध से पदार्थ से दही छाछ लस्सी चीज़ श्रीखंड ये सब चीज़ें खोवा
मिठाई ये सब कारखाने बन सकते हैं। प्रोबायोटिक जो है प्रोबायोटिक दही तथा अन्य पेय पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं। खाद्य तैयार करने का उद्योग खड़े किए जा सकते हैं। गोबर गैस जो होती है उस प्रक्रिया को भी शुरू किया जा सकता है। और गोमूत्र वगैरह जो औषधि में उपयोग में आता है ये सब चीज़ों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स में इसका आंसर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।